सुबह के बज रहे हैं एक और हम अभी उड़ गए हैं तराजू खाने को। इसको तराजू नहीं कहते, इसको तरबूज कहते हैं, नानी ने कहा है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, फ्रूट। ये क्या है ना, मैं इसको काट रही थी और इसमें अब ना घुस गया चाकू और ये निकल नहीं रहा है, तो हम क्या करें नहीं पता। ये तराजू, मुझे इसको खाना है लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत आदत से मजबूर हूं। मैं सीधा उठते ही व्लॉग में तराजू काटने को दिखा रही हूं और ये ना तो चाकू निकल रहा है ना कुछ हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये खाने पीने का सामान जहां आया ये भागते भागते आ जाती है। नहीं बाबू, नानी चाकू पकड़ के, अब नानी काटेंगी। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, अरे बंदिया हर मैदान फतेह। नानी काट रही है ये, और ये क्या कर रही है बाबू? नहीं बाबू, नानी के पास नहीं जाते बाबू। क्या नानी काट डाली पचर पचर, नानी तो ऐसे काट डाली। और ये देखो, ये आकर के बैठ गई, जहाँ खाना वहाँ हमारी बाबू, जहाँ खाना वहाँ बाबू, जहाँ खाना वहाँ बाबू। क्या कर सकते हैं, मैं जब बैग बनाती हूँ ना गाइस, सच में मुझे नहीं दिखता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तो अब ये आ गया हमारा तराबूज आ गया, दिख रहा है बाबू? बाबू नानी इसको, हाँ लाडू को भी, क्योंकि तराबूज बहुत पसंद है और तराबूज का बीज को भी खाना चाहिए। लाडू के लिए कलिंदर लाऊंगा बोल रहे हैं पापा, अब सिर्फ कलिंदर कलिंदर। मतलब थोड़े बीज को मैं खा लेती हूँ, थोड़े ज्यादा बीज को मैं थूक देती हूँ। यार जो उठेगा वो खाएगा कसम से, भाई और सुजल नहीं उठते हैं। आप मेरे मारोगे अगर मैं ज्यादा बकवास करूंगी तो? मार के दिखाओ दम है तो। लाडू को इंडिया खाओ उसको, अब इसको पकड़ा नहीं रहे, खा नहीं पा रही। गाइस यहाँ पे मेरे से ही पपीता कटवाया गया और मेरे से ही अब पोछा लगवाया जा रहा है। गाइस मेरी स्थिति दयनीय है, मेरे से ही कटवा पोछा लगा रहे हैं ये। क्यों लगवा रहे हो आप मेरे से पोछा? आप मुझसे पोछा लगवा दिन पोछा नहीं लगाती, झूठ मत बोले कर। वाह अम्मा, मैं क्यों झूठ बोलने लगी? मैं झूठ बोलूंगी? लाडू ए इसको खा, क्यों नहीं खाई है? खा इसको, देख रही है अपने मन मर्जी की मालकिन है नानी, वही तो खाओ इसको। फिर देख रही है, वापस दो इसका, खा इसको, खा इसको, खाने के लिए नखरा करना है इसको। ले यही तो करती है, इसके अलावा क्या करती है? मतलब अपना मन रहेगा तो खाएगी, मन रहे नहीं रहेगा तो नहीं खाएगी, बस यही है इसका। पेट भर गया, तुम हमारा पेट भरेगा, तुम खाओगी क्या? मैं हदरही जैसे तब भी खाऊंगी नानी। मेरा अगर पेट भी भर जाएगा तब भी मैं खाती रहूंगी, खाती। मैं देख रही हूँ इनका ना एग्जाम है, इनका एग्जाम है 5 तारीख को, इसलिए पढ़ रही है। ये जितना भी कचरा हुआ है ठीक है, अब मुझे फिर फैलाई है, मैंने ही फैलाई है और अब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। यार खुद का कचरा खुद समेटना चाहिए, इसलिए ये क्या रेत वेत को ला करके रखे हुए हैं घर? रेत नहीं, धनिया का गुंडरी। धनिया का गुंडरी है? आज तक मैंने धनिया नहीं देखा, आपकी बहन ने आज तक धनिया नहीं देखा। अगर मम्मी हमको बचपन से सिखाती ना कि इसको धनिया कहते हैं, इसको नमक कहते हैं, तो हमको पता रहता कि इसको धनिया कहते हैं, इसको नमक। हमको पता ही नहीं है, मैं फालतू बात कर रही हूँ, मुझे पता है। उठाते हैं हम झाड़ू, इस झाड़ू से हम पूरे घर को झाड़ देंगे, पूरे घर को झाड़ देंगे। सबसे पहले हम किचन रूम से शुरुआत करते हैं। क्या बोले आप? पता है मैं अपने से ना से करती रहती हूँ ना काम, फिर आके ना बीच में मुझे कोई टोकता है ना कि और अच्छे से कर, और अच्छे से, वहां पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब मैं कर रही हूँ ना यार, मैं कर रही हूँ ना यार, मुझे करने दो ना यार इज्जत से। हाँ ना, घर की नौकरानी बना करके मेरा एग्जाम क्या खत्म हो गया? मम्मी लोग ने तो मुझे घर की नौकरानी ही बना दी। जिस दिन मैं कमाऊंगी ना, उस दिन क्या बनेगी? जिस दिन तो भी घर का काम करना ही पड़ता है। जिस दिन मैं कमाई उस दिन 4 नौकर रखूंगी, तो भी घर का करेगी। जिसमें से एक भाई होगा, मेरे 2 छोटे छोटे भाई होंगे जिनमें से, और एक होगी मेरी दीदी, और एक चौथा कौन होगा? मैं आपको नहीं करवाऊंगी, मैं हम दोनों ऐस करेंगे मेरा। सुनिए नहीं करूंगी, मम्मी को बोल कहती मम्मी
सुनो देखो, एक होगा एक बड़े भाई, एक सूजन, ठीक है। बड़े तो नहीं करने वाला है। अरे करेगा ना उसकी, अरे वो क्या उसकी पत्नी भी करेगी। एक सूजन होगा, एक तनुत्री, एक बड़े भाई होगा और एक होगा मेरा पति। प्यार कहाँ रहा तू? प्यार कहाँ का प्यार, मतलब काम कराने से प्यार खत्म हो जाता है क्या? हाँ मैंने अभी सिर्फ हॉल झाड़ा अंदर के, ये रूम, ये रूम, ये रूम और वो रूम झाड़ा और इसे झाड़ा। मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये देख कचरा को यहाँ रखा हुआ है, कचरा यहाँ पे है, मैं थक चुकी हूँ। इधर और झाड़ना है, यहाँ झाड़ना है, यहाँ और सामने रूम। भाई दिमाग खराब हो गया भाई, अभी तो सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ मैं, अभी पोछा लगाना और बचे है। आड़ भी तेज भाई, वैसे मैं करती रहती हूँ लेकिन अंदर बस करती हूँ, मैं इधर नहीं झाड़ती। और झाड़ना, उधर भी झाड़ना, उधर भी झाड़ना है भाई। एग्जाम क्यों खत्म हो? एग्जाम खत्म होने के बाद ये करा रहे हैं मुझसे। अगर पता होता ये करा रहे हैं तो मैं एग्जाम का बहाना दे करती, कॉलेज में ही रहती, झाड़ लेती हूँ फिर मिलती हूँ। पूरा चकमक चकमक, हर जगह चकमक, क्योंकि मैंने झाड़ा है और चाय पी रहे हैं। मेहनत करो ना, झाड़ो ना। आप लोगों को लग रहा होगा मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, भाई झाड़ के देखो, घर झाड़ के देखो कितना लगता है, इतना ज़्यादा लगता है ना समझ भी नहीं आया। मैं आपको बता दूँ, मैंने सिर्फ अंदर नहीं झाड़ा, मैंने ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पे और रूम है यहाँ पे और हॉल भी है, मैंने उसको भी झाड़ा है भाई। अब इतना सब कुछ करूँगी तो मैं थकूँगी ही ना एकदम से। क्या है ना, अब मेरा एग्जाम ख़त्म हो गया तो अब मैं घर में काम करने वाली बन चुकी हूँ। बिस्तर से छत में चेयर में बैठ लेती हूँ, यहाँ मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है। मैं थोड़ा सा कूलर चालू कर लेती हूँ, देखो छोटा कूलर, ये पापा हम लोगों के लिए लिए थे ताकि हम लोग चैन से पढ़ें और जो भी ये करें। पढ़ा मैंने एग्जाम में बहुत पढ़ा। कूलर ऑन करके अच्छे से मैं पानी पी लेती हूँ चैन से। हवा आ रहा है, हवा भाई, इसको बोलते हैं ये है, ये नेल पेंट मेरी नानी ने लगाया था, तो यहाँ पे ये बीच वाला है ना मेरी मम्मी ने रखा था, एस लिखा था एस। पानी पी लेते चैन से, पूरा एक गिलास पानी पी गए। मैं थूक के बात क्यों कर रही हूँ भाई? भाई मैं थूक के बात क्यों कर मैं बोल कह रही हूँ, मैं रील्स ज्यादा देख लिया, ज्यादा रील देखने के साइड इफेक्ट। रख के बनाने की सोच रही हूँ ऐसा रख के, और ये बन नहीं रहा है क्योंकि ये सामने में आ रही है, तो रखा गया क्योंकि मैंने बोतल रखा। ये थोड़ा सा ना हमारे घर की स्थिति गंभीर है, वो ना थोड़ा सा ऐसे दूर से दिखने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। हो गया है ना, मैं सोच रही थी कि यहाँ पे खड़े होके थोड़ा सा बात कर लूँ, लेकिन मुझे घर से बुलावा आ गया कि मुझे पोछा भी लगाना है, सो मैं पोछा लगाती हूँ, फिर वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ नहा धो के। मुझे लगा कि मैं ही एकदम ज़्यादा काम करती हूँ, फिर मैंने अपनी मम्मी को देखा, मेरी माताश्री तो कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं। मैं तो इनके सामने कुछ नहीं हूँ भाई, सिर्फ एक तुच्छा सा झाड़ू लगा करके थक गई। मम्मी तो दिन भर में कितना काम कर रही है यार। अम्मा पसीना हो तो क्या हुआ, तभी आप मेरी मम्मी हो, चाहे पसीने में रहो या किसी में भी रहो। बकवास नहीं कर रही हूँ, देखो ना मम्मी एस्थेटिक, मैं एस्थेटिक। बेचारे लोगों को दुख क्यों देना, तुम बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, मैं नहीं बढ़ सकती आगे लेकिन तुम बढ़ो। किसी दिन ये ऐसे करके चला जाए। मैं भी ना मैं फिर से वो दिखाती हूँ आप लोगों को ट्रांजिशन, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, 1 2 3। भाई यार आप लोग यकीन नहीं करोगे मैं नहा चुकी हूँ, और मुझे अभी इस वक्त गाड़ी धोने के लिए लगाया जा रहा है ये वाला। आज एग्जाम है मेरे भाइयों का और उन्हें फिर से टोरा मारते हुए इसमें जाना है ना भाई। भाई तुम नॉर्मल बाइक में जाओ यार, दूल्हा करारा रखाया रहता है, तुमको इसी में क्यों जाना है? पर अब जो भी है जाना है, पर मुझे धोना पड़ेगा इसको जल्दी, मुझे धोना नहीं आता। कुछ गड़बड़ हुई ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने ऐसे पहले ही बोल चुका है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। मैं इसको धोने स्टार्ट करती हूँ, पहले अपना बंदोबस्त कर। ये जिमी फूंक रही है यहाँ पास, क्योंकि
बर्दाश्त नहीं करती, इतने देर से बंधी थी तो अब तो उसका भूखना स्वाभाविक है। ठीक है, यहाँ से भूख रही है खड़ी होके। हाँ, सबसे पहले अब नल चालू करते हैं। चालू हो गया। आ क्यों नहीं रहा पानी, क्यों नहीं आ रहा है? इतने लंबा लगेगा ना इसमें, लंबा लगेगा, टाइम लगेगा बिल्कुल। कुछ ज़्यादा ही देर नहीं हो गया भाई? पानी आना यार, आना यार, पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी क्यों नहीं आ रहा है? वाह, कहीं से मुड़ा है क्या यार? मुड़ा भी तो नहीं है कहीं से। पानी क्यों नहीं आ रहा है? बोर का पानी तो नहीं खत्म हो गया? वाह, बोर में पानी ही खत्म हो गया है। घर के पीछे तरफ आज पूरा पेड़ कटवाए हैं, मैं दिखाती हूँ पूरा पेड़। क्या ना, मैं आज तक कभी गाड़ी नहीं धोई हूँ तो मुझे पता नहीं कौन सा नल चालू होता है कौन सा नहीं। गाइस ये देखो, पूरा अपने घर को कटवा डाले, देखो घर के पेड़ को, मॉम घर के पेड़ को कटवा डाले। बचे हैं, बस थोड़े से बचे हैं ना यार। क्या कर रही है मम्मी? यार मैं चलती हूँ गाड़ी धोती हूँ, वरना वो मेरे को धो डालेगा पूरा। चलो जो है इसको यहाँ से निकाल के इसमें फंसाना है, इसको भी निकालना पड़ेगा। ये इसको ऐसे फंसा देते हैं। फंस गया ये, अब ये ना पानी आएगा आएगा आएगा। ए, आने लग गया ये। मेरे को वैसे तो साफ करते नहीं आता, पर पहली बार ट्राई कर रही हूँ। ये पानी कैसे हो रहा है यार, आधा अधूरा ऐसा? यार कहाँ कहाँ पानी डालते हैं मुझे पता नहीं है, मैं सब जगह डाल रही हूँ। भूल चुके हो तो माफ करना भाई। हाँ बुलेट भाई ने मुझे सिर्फ यहाँ पे डालने से मना किया है। क्या मैं कुछ नहीं मंगाती दीदी? अपनी बाबू, आते बाबू ले पानी पी। ओ मेरी लाल को पानी पीना है। ओ पी बाबू पी। कहाँ जा रही बेबी? ये खाने जा रही। ओ खा ले बाबू। तो मैंने ना बचपन में अपने साइकिल बहुत धोए हुए हैं, उसके बाद मुझे आज मौका मिल रहा है गाड़ी धोने का। ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। इसमें डालते हैं कि नहीं यार? मोटर में डालते हैं कि नहीं? सामने तो डालते हैं पानी, पहले सामने डाल लेती हूँ, फिसल के मत गिर जाऊं बस। यहाँ डालेंगे बॉस फालतू चीज लिखा हुआ है, क्या कर सकते हैं अब, लड़कों के शौक बड़े बड़े होते हैं। हाय, मैं दिख रही हूँ? इतना ही दिखूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे रखने के लिए कुछ नहीं है, हम गरीब इंसान हैं, इसलिए चलो इसको पोछने स्टार्ट करते हैं। कपड़ा ये है हमारा कपड़ा, ओ इसे भी थोड़ा सा रबड़, कोई बात नहीं साफ करते हैं। यही काम रह गया हमारे पास, क्योंकि गाड़ी पोछने का। क्या हो गया यहाँ? ठीक है, इसी ने नाक पोछा इसको। किसी के घर गाड़ी पहुंचने वाली कभी होगी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, पर पैसे बराबर देना मेरे पास। मैं गाड़ी धो रही थी और ऊपर वाली दीदी का पार्सल आया है, कॉल कर रहे हो? उधर लाओ, आओ जिमी आ जाएगी, इधर आओ दीदी। मैं बार कोड भेज रही हूँ आपको, ठीक है? पे दीदी को हमने बार कोड भेज दिया और पार्सल आ चुका है। उनको देखो अलग से दिक्कत है के बाबू। वेट कर रही हूँ दीदी के पैसे ट्रांसफर करने का। हो गया भाई, ये दीदी ने मंगाया था सूट। जिमी शांत रहे बाबू। दीदी ने मंगाया था ऑनलाइन सूट, दीदी आकर के खोलेंगे कैसा है। दीदी ने कहा है कि इसको खोल के देखना कि ये आया कैसे है घर के, फिर उसके बाद मेरे को बताना। तो खोल करके देखती हूँ, देख लेती हूँ भाई साहब से मंगाया दीदी ने। भाई ने कहा मेरे को फाड़ते नहीं आते, इसलिए वो ढंग से फाड़ रहा है, बता रहे कि ऐसे फाड़ते हैं। अरे हाँ, हम लोग भी ना यार, देखा दबाड़ू ये। कुछ आता है ना तो मेरे को इतना देखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है, लेकिन मैं इसको खोल नहीं रही थी, पर दीदी ने कहा, खुद से कहा कि इस दिन इसको खोल करके देख करके कैसा आया है, तो मैं खोल रही हूँ। मेरी खुद की दीदी ने नहीं, हमारे घर पे रहती है ना उन दीदी ने। बस बस फट गया
ये खोल इसको यहाँ से। दीदी ने इसको देखा और एक बार में मंगाया था, पर एज इट इज आया है कि नहीं देखते हमने इस पर। ऐसे पकड़ तो बहुत खराब कपड़ा था। हाँ ये घेर वाला था यार। दुपट्टा तेरा नो ये सुनो, दुपट्टा क्या है? बस ये बस आया इसमें, ये नीचे का, और वो भी दीदी के साइज का नहीं है, ये दीदी को कटाना पड़ेगा। दीदी को पसंद आएगा तो दीदी रखेगी, नहीं तो दीदी वापस कर देगी। मैं दीदी लोगों को दिखा के आती हूँ, और मुझे गाड़ी भी धोना है। मतलब मैं हूँ यहाँ, मैं जो बोल रही हूँ, है ना?